हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद का आया बयान, कहा महागठबंधन पर पूरी तरह से हो चुका है ध्वस्त। मुंगेर में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से वसूला गया जुर्माना, 10 दिनों तक चलेगा मास्क चेकिंग अभियान। नालंदा में पलटी यात्रियों से भरी बस, एक व्यक्ति की मौत, 40 से अधिक लोग हुए घायल। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम का ट्वीट बिल्कुल सही है। वहीं उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। महागठबंधन अब राजद और कांग्रेस का ज्वाइंट वेंचर पॉलिटिकल करप्शन फोरम बन गया है। ये परिवार बचाने के लिए राजनीति का आडंबर करते हैं, राजनीति को मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जितने भ्रष्टाचार करने हैं ये लोग राजनीति की आड़ में करते हैं। अकूत संपत्ति अर्जित करना, स्टेट एक्सचेकर को चूना लगाना, जनता को धोखा देना इनका मूल सिद्धांत है। और ये बिहार में अपने परिवार का वजूद बचाने के लिए दिल्ली में और पटना में ये राजनीति का इनका मूल पर्याय बन चुका है। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के धनगरहा चौक से राष्ट्रीय मार्ग 28 पर बाइक सवार को बचाने में दो कंटेनर आपस में टकरा गई, जिससे बाइक सवार सहित दोनों कंटेनर के चालक भी घायल हो गए, जिन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से उचित इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने स्थिति को देखते हुए मोतिहारी रेफर कर दिया। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र के मौजी हरि सिंह के बिजली विभाग के एक कर्मी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। मामले को लेकर जख्मी ने बखरी थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं बखरी में प्राथमिकी उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया। उसी समय हमको रास्ते में बीच में ही कलवा घाट बरियारपुर कहता है गछिया में तीन आदमी हमको रोका, एक आदमी मोटरसाइकिल पर था, दो आदमी लिया हम खड़ा था, कहा कि रुक माधर चोर नहीं तो गोली मार देंगे। हम नहीं रुके, वो गोली फायर किया, हम नहीं रुके, हम भागते भागते हम भागते भागते आकर के एक खखरवा में हम रुके हैं। एक आदमी के कहे देखिए इसमें कुछ ही है, तो बोला कि गोली लगा। सीतामढ़ी के महिला थाने में हुई अनोखी शादी की कहानी परसौनी थाना के मदनपुर गाँव से शुरू हुई थी। शादी के इस कहानी में सस्पेंस भी है, प्यार भी है और धोखा भी, लेकिन पुलिस वाले ने कुछ ऐसा किया कि धोखा देने वाले युवक को आखिरकार लड़की का हाथ 7 जन्मों के लिए थामना पड़ा। क्या मामला था? मामला ही देवर भाभी का था, भाई मर गया था, उसके बाद एक साल से इसके प्रेम प्रसंग भी चल रहा था, कुछ आपसी दूसरे लोग के गलत फहमी के चलते ऐसा था, लेकिन हम लोग इसको मैटर को समझा दिए, ठीक हुआ। आया था उसका पति गुजर गया था और उसका देवर से शादी कराया है। शादी हुआ है? कहाँ शादी हुआ है? महिला थाना में। कौन लोग कराया शादी? पुलिस लोग। इनको जानती थी पहले से? इनको सहनी जी को जानती थी पहले से? कैसे जानती थी? रिश्तेदार हैं? चाची थे? क्या थे आपके, क्या लगते थे? देवर लगते थे। आपके पति, पहले पति मर गए हैं? कैसे? करंट लगने से। शादी हुआ है? कहाँ शादी हुआ है? महिला थाना में। तापसी राजा बंदी से शादी किए हैं? सहमति से हुआ है शादी? आगे कैसा भविष्य कीजिएगा? खुशी से रखिएगा। हाँ, के साथ शादी ब्याह करके अपना परिवार अपने खुशी में अपने दिल पर अपने खुशी में रह जाए, ताकि मेरा बच्चा को दिक्कत ना हो। लेकिन घर समाज गांव सब लोग चाहे, गांव समाज चाहते हुए भी गांव में ही समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। रंजीता को यहाँ तक आना पड़ा, आवेदन भी हम जाँच में गए, गाँव समाज सब लोग हमको सहयोग किया, सब लोग कहा कि मैडम आप शादी करा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो अपना देवर अपना घर परिवार सब मिलजुल के रहेगा।
वही बुला के गांव समाज भी आ जाया, दोनों को मिला जुला करके अपना मंदिर पर शादी करा। खबर वैशाली के गौरौल से है, जहां बेलवर घाट आरपीसीजे इंटर स्त्रीय विद्यालय में छात्राओं को छात्रवृत्ति व अन्य राशि नहीं मिलने से आक्रोशित छात्राओं ने जमकर हंगामा करते हुए प्रधानाध्यापक का घेराव किया। इस मामले में प्रबंधक समिति के कार्यकारिणी बैठक में वैशाली विधायक राजकिशोर सिंह बैठक में शामिल होकर जैसे ही निकले, छात्र और उनके परिजनों ने उन्हें भी घेर लिया। मैडम जी, एकदम मुखातिब हुई आप, नहीं नहीं, बच्ची के बारे में आपने कहा, अभी मेरे रीजन का बात नहीं है, मेरे समझ की बात नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? विशाल कुमार। ओ, आप कौन स्कूल का स्टूडेंट है? बेलवर घाट। ये बेलवर घाट कौन स्कूल का क्या नाम हुआ? RPCJ बेलवर घाट स्कूल। ओ, तो आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। ओ, स्कूल कितना दिन आप आते हैं? परीक्षा के टाइम में आते हैं। परीक्षा के टाइम में आपको छात्रवृत्ति मिलता है? लगातार लगातार मिला है। हाँ, तो कितना मिला? 4800। आप स्कूल नहीं आते हैं लेकिन छात्रवृत्ति आपको कैसे मिल जा रहा है? सीमा मैम बोले से विशाल देखो 500 रुपया देना पड़ेगा तो छात्रवृत्ति आ जाएगा। तहाँ आप लोग क्यों आए हुए स्कूल में? मेरा 17-18 वाला पैसा मतलब रोक दिया गया है। ओ, क्या छात्रवृत्ति का? जी छात्रवृत्ति, साइकिल वापस आ सकते हैं उस चीज़ का। ओ, तो स्कूल में आप आए तो मैडम या सर आपको क्या बोले? ओ मैडम सर बोले से तुमको जहाँ भी जाना हो जाओ तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, टाइमलेस ही नहीं है। ओ, आपका नहीं है तो और बच्चे का मिला है और बच्चा को यहाँ पे घुसखोरी हो रहा है, इसीलिए मतलब पैसा मतलब लेकर दिया जाता है। आर्यभट्ट की धरती मसौढ़ी राजधानी से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है, बावजूद विकास से कोसों दूर है। बता दें कि वर्तमान समय में मसौढ़ी विधानसभा चुनाव क्षेत्र पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में है। न जाने कितने प्रतिनिधि विभिन्न दलों से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे होंगे, लेकिन शायद ही किसी मसौढ़ी को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठा होगा। देखा जाए तो मसौढ़ी के जन प्रतिनिधियों की सूरत तो बदल दी गई, लेकिन मसौढ़ी का सूरत कब बदलेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं मसौढ़ी का सूरत हाल के बारे में बता रहा हूं आपको। ये मसौढ़ी विधानसभा चुनाव क्षेत्र है और ये विधानसभा क्षेत्र मैं आपको बता दूं कि कालांतर में यह जो विधानसभा क्षेत्र जो था वो पटना में पड़ता था, लेकिन वर्तमान समय में ये पटना जो है ये दो भागों में विभक्त हुआ और एक बना पटना साहिब, दूसरा बना पाटलिपुत्रा। तो मैं बता दूं कि ये मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में है। हम आपको ये भी बता दें कि इस मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र से न जाने कितने प्रत्याशी चुनाव जीत कर गए हैं और विधानसभा तक पहुँचे हैं, और सवाल ये होता है कि आज तक ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं हुए जो मसौढ़ी के मुद्दों को लेकर विधानसभा में उठाया हो। बात साफ है कि नेता जो हैं उन नेताओं की सूरत तो बदल गई, लेकिन मसौढ़ी की जो सूरत है जस वही के वही रहे। आपको यह भी बता दें कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, आने वाला है, शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जितने भी प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशियों की चहलकदमी ही बदल गई है। बताओ मसौढ़ी का सूरत यही है कि दलदल से भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, नेता लोग को पैकेट भर रहा है, जीत के जाते हैं कोई ध्यान नहीं है इस पे। और हम लोग जनता का यह स्थिति है कि रोड पर ढनक रहे हैं, कोई विकास की मुद्दा नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है नेते लोग के पॉकेट भर रहे हैं और विकास के बात करते हैं, गरीबी हटाओ, गरीब के लिए कुछ नहीं होता है। ये मेरे मसौढ़ी विकास का कोई मेरे मसौढ़ी के लिए कोई विकास नहीं हो रहा है। और इतने नेते जीत के गए, मेरा कम से कम 40-45 पर एज हो रहा है, इसके वजह में हर नेता जीत के गए, अपने पॉकेट भरें, अपने राज को चमकाएं, और मेरा मसौढ़ी वहीं के वहीं है। और पटना जिला के अधिक 25-30 किलोमीटर के अंदर में मेरा मसौढ़ी पटने के बाद मेरा मसौढ़ी का नंबर आता है, लेकिन स्थिति इसका ऐसा खराब हो चुका है कि देखने लायक नहीं है। मसौढ़ी का ये सूरत ऐसा क्यों? मसौढ़ी पटना जिला का एक अंग है, अनुमंडल है, मात्र पटना से 25 किलोमीटर पर स्थित है, समझे ना, स्थित है। और यहाँ के जितने भी विधायक नेता बने
आज तक कभी विधानसभा में किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं उठाया। हो सकता है एक आध बार उन्होंने उठाया भी होगा, लेकिन उनकी पॉकेट भरती रही, लेकिन मसौढ़ी का कोई विकास नहीं हो सका। समझे ना, हालत यह है कि गंदगी का अंबार भरा हुआ है चारों तरफ। डाक बंगला विगत 25 बरस से 30 बरस से एकदम दलदल की स्थिति में पहुंची हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी चुनाव मैदान में आते हैं, चुनाव जीतते हैं, विधानसभा में जाते हैं, लेकिन विधानसभा में जाकर एक बार मसौढ़ी के मुद्दों को उठाने का काम नहीं किया है। यह दुर्भाग्य है मसौढ़ी की। और मैं ये भी बता दूं, ये मसौढ़ी वो धरती है जो आर्यभट्ट की भूमि है। और आर्यभट्ट ये भी बता दें आपको कि ये पूरा विश्व का वैज्ञानिक मसौढ़ी में एक बार उतर चुके थे। क्योंकि इसलिए भी प्रसिद्ध है मसौढ़ी, ये मसौढ़ी आर्यभट्ट की भूमि है और आर्यभट्ट की भूमि आज भी उपेक्षित है इन नेताओं से। चूँकि इलेक्शन आ चुका है, ध्यान जनताओं की जनताओं को आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जनता जागे। चूँकि मसौढ़ी का जो सूरत हाल है, बस बदला नहीं है, बदला है तो सिर्फ नेताओं का, विधायकों का और मंत्रियों का सूरत। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। मसौढ़ी डाक बंगला स्थित पंप हाउस काफी जर्जर हालत में है। बता दें कि इसी पंप हाउस के द्वारा मसौढ़ी के लोगों को जल की सुविधा प्रदान की जाती है। पंप चालक ने बताया कि यह पंप हाउस काफी जर्जर हालत में है और कभी भी यह ध्वस्त हो सकता है। पंप हाउस में डाक बंगला में PhD का डिपार्टमेंट का है और बहुत दिक्कत में, हम बहुत दलदल में रह रहे हैं। कोई ठीक नहीं है कि हम कब मर जाएंगे, मगर सिविल वाले को कहते कहते थका गए, PhD वाला के भी कहते कहते हम थका गए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। बड़े बड़े चट्टान गिर रहा है, कब हम पर गिर जाएगा जो कोई भरोसा नहीं है। मुंगेर शहर में SDM खगेश चंद्र झा ने मास्क नहीं पहनने लोगों से जुर्माना वसूला। साथ ही दुकानदारों को हिदायत भी दी कि अगर दोबारा बिना मास्क के पकड़े गए तो दुकान को भी सील कर दिया जाएगा। खगेश चंद्र झा ने कहा कि यह अभियान लगातार 10 दिनों तक चलेगा। अगर लोग बिना मास्क के निकले तो फिर उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सहरसा जिला के पतरघर टोपी क्षेत्र के पामा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 4 में मधेपुरा निवासी दिनेश शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। मृतक की पहचान मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत खाड़ी परमानपुरा निवासी 50 वर्षीय दिनेश शर्मा के रूप में की गई है। मामले को लेकर पुलिस ने एक युवक से पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। दिनेश शर्मा के गोली मारकर हत्या करके ओकर पोस्टमार्टम करवे ले हमरा सबके थाना से भेजल गेल। कहाँ ये घटना भेल रे? पामा में भेल छे। कोन थाना? दिनेश शर्मा थाना पतरघर। नाम की भेल? ओकर नाम, तोरा नाम की? हमर नाम जगन्नाथ पास। अहाँ कहाँ आयल रहिए? पोस्टमार्टम करवे ले। लोग टाटूट फाड़ के उसके बाद गोली चलाया। क्यों गोली चलाया, कैसे हुआ ये घटना? गोली चलाया गाली गलौज से, चौक पे गाली गलौज हुई, उसके बाद पीछा करके आया, उसके बाद फिर घर में घुस के कवार दिया, वहाँ पे टाट फाड़ के गोली चलाया। कहाँ पे ये घटना घटी है? पामा में घटना। कितने की संख्या में वो लोग थे? वो लोग थे 10-20 के करीब। 10-20 के? कुछ विवाद था क्या उन लोगों से, कुछ मामला हुआ था? नहीं, कोई मामला नहीं हुआ। आप लोग किस चीज से थे? हम लोग बाइक से थे। नालंदा जिला के सरमेरा थाना क्षेत्र के कोतरा गांव के पास अनियंत्रित होकर एक यात्री बस खाई में पलट गई, जिसमें सवार एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।